हाय, दिस इज मनीष शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टार्ट करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस मंडे के सेशन के लिए, एंड विल डिस्कस द स्टॉक्स एज वेल। सो मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्लियरली बताया था कि निफ्टी बैंक निफ्टी थोड़ा सा साइडवेज रह सकता है, रेंज बाउंड सेशन हमें देखने को मिल सकता है। फ्राइडे के सेशन में मार्केट थोड़ा गैप अप जरूर ओपन हुआ, लेकिन उसके बाद पूरा दिन अगर आप देखो फ्लैट मूवमेंट ही था, साइडवेज ही था। 11,425 का जो लेवल था वो निफ्टी ने क्रॉस नहीं किया। 11,400 के ऊपर हमें सप्लाई देखने को मिल गई कंटिन्यूअसली। तो अब एनालिसिस करते हैं मंडे के सेशन में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। निफ्टी अगर आप लास्ट 3-4 दिन से मूवमेंट देखो तो एब्सोल्युटली साइडवेज मोमेंटम है, रेंज बाउंड मूवमेंट है और कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है। सो मैंने यहाँ पर लेवल्स लिखे हैं, आपको ये लेवल्स के ऊपर ध्यान देना है। अगर 11,425-470 अगर क्रॉस कर लेता है डिसाइसिवली तो बुलिश भी हो जाएगा, पर अभी फिलहाल ये रेजिस्टेंस लेवल्स है और 11,350-11,300 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर 11,300 टूटता है तो एक शार्प फॉल हमें देखने को मिल सकता है, ये लेवल्स पे आपको ध्यान देना है। बैंक निफ्टी पे अगर आप देखो तो एक रेंज में फंसा हुआ है, 22,500 से लेके 21,500, ये एक रेंज है 1,000 पॉइंट का, इसी रेंज में फंसा हुआ है। आप देख सकते हो लास्ट 4-5 दिन का मूवमेंट। अगर 22,500 क्रॉस कर लेता है तो एक स्ट्रॉन्ग अप हमें देखने को मिलेगा, अगर 21,500 टूटता है तो एक शार्प फॉल हमें देखने को मिल सकता है। ओवरऑल बैंक निफ्टी भी रेंज बाउंड ही लग रहा है और निफ्टी भी एक रेंज में ही फंसा हुआ है, 11,425 से लेके 11,300 निफ्टी का रेंज होगा और बैंक निफ्टी 22,500 से लेके 21,500, ये लेवल्स पे आपको ध्यान देना है। अभी फिलहाल दोनों इंडेक्स में व्यू साइडवेज टू रेंज बाउंड है। अब डिस्कस करते हैं स्टॉक्स। मैंने आपको लास्ट वीडियो में HDFC लाइफ सेल दिया था 590 के नीचे, ये 590 के नीचे गया नहीं तो इसमें जो सेल ट्रेड था वो ट्रिगर ही नहीं हुआ। एस्कॉर्ट मैंने आपको सेल दिया था 1135 के नीचे, इसमें आपको डेफिनेटली काफी अच्छा इंट्राडे में पैसा आया होगा। एंड MGL मैंने बाय दिया था 1018 के ऊपर, इसमें भी डेफिनेटली आपको काफी अच्छा पैसा आया होगा। सो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है फॉर एस्कॉर्ट ट्रेड में पैसा बनाया है। अब डिस्कस करते हैं मंडे के सेशन के लिए कौन से स्टॉक्स पे ज्यादा ध्यान देना है। तो सबसे पहला स्टॉक होगा जिंदाल स्टील। स्टील सेक्टर अगर आप देखो एक बड़ा रैली हमें देखने को मिला और अब ऊपर के लेवल से हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है, ये बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न है, ये बेरिश पैटर्न है और अगर इसके इसमें फॉलो थ्रू सेलिंग आता है तो एक शार्प फॉल हमें देखने को मिल सकता है। एग्जैक्टली कौन से लेवल पे शॉर्ट करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा, लेकिन जिंदाल स्टील का स्ट्रक्चर काफी अच्छा लग रहा है शॉर्ट करने के लिए। नेक्स्ट स्टॉक होगा इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस। इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस भी स्ट्रक्चर काफी खराब लग रहा है। अगर आप देखो यहाँ से इसने रिकवर जरूर किया लेकिन ये एक रेंज में फंसा हुआ है। लास्ट 4-5 दिन का अगर आप कैंडल देखो तो 200 लेवल के आसपास बार बार ये सपोर्ट ले रहा है और होल्ड कर रहा है वहीं पे। अगर 200 का लेवल टूटता है तो एक शार्प फॉल में देखने को मिल सकता है। सो काफी अच्छा शॉर्ट रहेगा इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस, कौन से लेवल पे शॉर्ट करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। एंड लास्ट स्टॉक होगा UBL। UBL मुझे चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा लग रहा है और मुझे लगता है ये पॉसिबल टारगेट्स हो सकते हैं UBL में। यहाँ से 25-30 रुपए का अपमूव हमें और देखने को मिल सकता है, UBL काफी अच्छा बाय रहेगा, कौन से लेवल पे बाय करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। मिच्छामी दुक्कड़म टू ऑल ऑफ यू एंड गणपति बापा मोरिया। आज के लिए वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो और एनालिसिस अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।